नारायण नारायण सविता एस एस बिलाव डिजाइनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बलून वाले आस्तीन बनाने के लिए हमने कपड़े को चार बार फोल्ड कर रखा है। आस्तीन की लंबाई हमने 10 इंच रखी है, चौड़ाई भी हमने 10 इंच रखी है। अब हम नीचे से 3 इंच कम कर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 10 पर निशान लगाएंगे। अब हमने जहाँ पहले 10 इंच पर निशान लगाया था वहां पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। अब जो हमने 3 इंच कम कर निशान लगाया था उसको हम इस तरीके से शेप में मिला देंगे ऊपर से नीचे। अब हम ऊपर 5 इंच पर निशान लगाएंगे आस्तीन के ऊपर, यहाँ पर 4.5 इंच पर चौड़ाई में, और एक 5 इंच लंबा और एक 4.5 इंच चौड़ा बॉक्स बना लेंगे। उसको इस तरीके से बॉक्स में हमको शेप देनी है। बॉक्स के अंदर से शेप देते हुए इस तरीके से हम आस्तीन से मिला देंगे। अब हमें जितनी भी आस्तीन की मोटाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछी शेप में उसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। यहाँ कोने पर हम कट बना देंगे छोटा सा, यहाँ पर भी कट बना देंगे लाइन के यहाँ से। अब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे इसकी। कपड़े को भी हमने चार बार फोल्ड कर रख लिया है। अब हम मेन कपड़े पर भी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, धन्यवाद। बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम आस्तीन की सिलाई करने के लिए हम अस्तर और कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखकर हम नीचे से बराबर मिलाते हुए आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट करेंगे। धागे को कट करने के बाद हमने जो सिलाई लगाई है उस कपड़े को हम अस्तर की साइड दबाते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम आस्तीन को प्रॉपर शेप में बिठाते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाना है ऊपर से अस्तर और कपड़े को प्रॉपर शेप में बिठाते हुए ताकि इसमें झोल ना बने। इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगाते जाना है प्रॉपर शेप में बिठाते हुए। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम जहाँ से हमने कट बनाए थे वहाँ से हम सल बनाना चालू करेंगे। इसमें हम छोटे छोटे सल बनाएंगे, पास पास में बनाने हैं। इसमें इस साइड 5 सल बन जाएंगे छोटे छोटे। इन सलों को हम हमारी साइड फोल्ड करेंगे और अब इस साइड वाले सल को हम उस साइड फोल्ड करना है हमें। इस साइड भी 5 सल बनेंगे। मैं आपको जूम कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने दोनों साइड सल बना लिए हैं। सल बनाने के बाद आस्तीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसी तरीके से हमें दोनों आस्तीन में सल बनाने हैं। इसी तरीके से हमें दोनों आस्तीन में सल बना लिए हैं। अब हम आस्तीन को ब्लाउज में जोड़ देंगे। ब्लाउज को हमने पहले से ही सिलाई कर तैयार कर लिया था। आस्तीन को इस तरीके से बीचा बीच निशान बनाएंगे सल के दोनों साइड, और यहाँ शोल्डर पर बराबर मिलाकर
इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखकर हम आधा इंच दबाते हुए आस्तीन और ब्लाउज को बराबर प्रॉपर शेप में मिलाते हुए आधा इंच दबाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों आस्तीन को ब्लाउज में लगा देंगे। ब्लाउज में लगाने के बाद आस्तीन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण।